गुरुग्राम से खबर आ रही जहां पर सूरजपाल अम्मू के भाई ने आत्महत्या कर ली है। होटल में नैनपाल ने आत्महत्या की है। सूरजपाल अम्मू करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके भाई थे नैनपाल, जिन्होंने खुदकुशी की है। वहीं सुसाइड को लेकर नैनपाल के परिजन ने कहा है कि काफी दिनों से वो बीमार थे और मानसिक तनाव के कारण ये खुदकुशी उन्होंने की है। देवेंद्र भारद्वाज इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। देवेंद्र, कब की घटना है? देर रात की ये घटना है धर्म, और जिस तरह से करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू है, उनका उनके भाई जो नैनपाल है, बताया जा रहा है कि उसके परिवार की तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि पिछले काफी समय से वो बीमार थे और बीमारी के चलते वो डिप्रेशन में थे, और इसी के चलते एक ओयो रूम के अंदर उन्होंने फंदा लगाकर आत्महत्या की है। और इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि करीब 48 वर्ष के नैनपाल थे, जो कि दमदमा रोड पर एक होटल था, उसी के अंदर इस पूरी घटना को उन्होंने अंजाम दिया और आत्महत्या कर ली फांसी लगाकर। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने परिवार वालों के बयान पर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया है और पोस्टमार्टम के बाद ही परिजनों को ये बॉडी दी जाएगी। जी, यानी पुलिस ने परिवार के बयान को स्वीकार कर लिया है कि वो बीमार थे मानसिक रूप से। कोई सुसाइडल नोट मिला है क्या? हाँ, देखिए बिल्कुल, इस पूरे मामले में अभी पुलिस ने कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है वो मौके से, लेकिन पुलिस इस पूरी जांच में जब परिवार से बात की तो परिवार की तरफ से जो बताया गया, क्योंकि पिछले काफी समय से वो बीमार थे और बीमारी के चलते वो काफी डिप्रेशन में थे, और इसी के चलते उन्होंने ये कदम उठाया परिवार का ये कहना है, और फिलहाल अभी मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस जानकारी के लिए।